गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इरविंदर कौर, SSGC गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़, BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज जो हमारी विधिवत रूप से हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो मेरा ई कंटेंट है या आपका जो लेक्चर है, वो मैं आप लोगों को आज इसके जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस की जानकारी दूँगी। पहला, इसमें आपके तीन पेपर्स हैं। पहला पेपर आपका टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, दूसरा आपका एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड इकोनॉमिक बॉटनी है, और तीसरा आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और एंड इवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो आपका पहला पेपर है, इसमें हमने जो मेन टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं वो हैं कि हर्बेरियम की टेक्निक क्या है, हर्बेरियम इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन्स इंडिया के कौन से हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल या नियम की बात करेंगे, बेसिक इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन है इसके बारे में बात करेंगे, फिर एंजियोस्पर्म्स के नॉमेनक्लेचर और सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे, और फ्लोरा एंड आइकॉन्स क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा। यूनिट 2 और यूनिट 3 आपकी, ये मुख्य रूप से इसमें हमने जो प्लांट की टैक्सोनॉमी में जो क्लासेस हैं या जो फैमिलीज़ हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, और जो फैमिलीज़ आपके सिलेबस में हैं वो है रेनन्कुलेसी, रूटेसी, लेगुमनेसी, कुकुरबिटेसी, APAC और एस्टरेसी यूनिट 2 में, और यूनिट 3 में है एपोसाइनेसी, एस्क्लिपिडेसी, सोलानेसी, लैमिएसी, U4BAC, लिलिएसी और पोएसी। इसके बाद आता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 आपकी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं इसमें। जैसे यूनिट 4 में एंथर और पिस्टल का स्ट्रक्चर आएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन का है, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस आ जाएगा, और एम्ब्रियो सैक्स का स्ट्रक्चर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आएगा। और जो यूनिट 5 है इसमें हमने एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के बारे में, उसके टाइप्स और एम्ब्रियोजेनी के टाइप्स और सीड स्ट्रक्चर, इसके अलावा एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और पार्थोजेनेसिस, और एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी जिसमें कल्चर ऑफ एंथर एंड एम्ब्रियो आता है। पेपर सेकेंड आपका एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड इकोनॉमिक बॉटनी है। इसमें जो मेन जो आपके कंटेंट है, यूनिट 1 में आपने मेरिस्टेम्स और उससे रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ना है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, टिश्यू सिस्टम क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में हमने जो रूट और स्टेम और लीव्स के प्राइमरी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एपिडर्मिस, ट्राइकोम्स, टोमेटा, ये लीव्स रूट्स कैसे ओरिजिन होता है इनका, पेरिडम क्या है, कमर्शियल कॉर्क क्या, और एब्सेशन ऑफ लीव्स क्या है, और यूनिट 3 में सेकेंडरी ग्रोथ रूट और स्टेम में क्या से होती है, और इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एबनॉर्मल कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। यूनिट 4 और यूनिट 5 ये मुख्य रूप से इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक बॉटनी है, जिसमें हमने फाइबर वाले प्लांट्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स और स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, बिवरेजेस और इसी तरह से रबर प्लांट, इसके अलावा इथनोबॉटनी की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस को समझना है। जो हमारा पेपर 3 है वो फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और लंबा पेपर है, इसमें साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इवोल्यूशन और बायोस्टैटिस्टिक्स, ये सारा कुछ आता है। इसके यूनिट 1 में सेल का कंसेप्ट आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब ये सेल ऑर्गेनल्स और सेल डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक है। जो यूनिट 2 है आपकी वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हमने मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़नी है, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, लीथल जीन्स क्या है, एपिस्टेसिस क्या है, फिर फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम और टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 जो है हमारा, इसमें हमने DNA और RNA के बारे में पढ़ना है, DNA का रेप्लिकेशन समझना है,
एक टॉपिक होता है, ये एविडेंस ऑफ डीएनए की डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्या प्रूफ है, और जो क्रोमोसोम्स में सनऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, काइज़मा क्या है, लिंकेज और मैपिंग ऑफ जीन्स क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 आपका प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसके मेथड्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड विगर क्या है, म्यूटेशन और पॉलीप्लॉयडी के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 5 जो है ये इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जिसमें लमार्किज्म क्या है, न्यू लमार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, न्यू डार्विनिज्म क्या है, और इसके अलावा इसमें हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डिविएशन और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक रूपरेखा बता दी है आपके तीनों पेपर्स के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि आपके पेपर्स क्या हैं। अब इसी से रिलेटेड आपको पीडीएफ मटेरियल भी भेजा जाएगा, और दो पेपर्स मैं आपके लूँगी, जो कि आपका पहला पेपर होगा टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें हमें फैमिलीज़ वगैरह को समझना है। और दूसरा फिर मैं आपको जो पेपर 3 है, ये भी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, जिसमें हमने जेनेटिक्स भी समझनी है और बायोस्टैटिस्टिक्स भी समझनी है, प्लांट ब्रीडिंग भी समझनी है। तो मैं इन दो पेपर्स को एक बार स्टार्ट करूँगी, पेपर 1 और पेपर 3, एक हफ्ते में पेपर 1 के बारे में, या 3 दिन पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स डालूँगी और 3 दिन पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, पीडीएफ मटेरियल और लेक्चर्स आपको पहुंच जाएंगे, और साथ ही में जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा एक हफ्ते में, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दी जाएगी, जो कि आपको सॉल्व करके और मेल पे सेंड करनी होगी, उसी के आधार पर आपकी अटेंडेंस और इवैल्यूएशन होगा। थैंक यू।